वीडियो बेटा मॉड्यूलस फंक्शन को मॉड नहीं बोलते हैं। क्या कर रहे हो चाचा, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चाहते क्या हो, बच्चों को पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं भाई? ढक 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 किए जा, गोली मार दूंगा, क्या करूं मैं इनका? तुम लोगों को भी आवाज सुनाई दे रही है? ये ढक 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 तुम लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? मन तो कर रहा है खूब गाली दूं। गजब कर दिए भाई, गजब कर दिए। वर्क फ्रॉम होम को जहन्नुम बना दो तुम लोग सब। बाहर लॉकडाउन लगा, मैं क्या करूं? देखो इधर, हाँ यार छोड़ो, अब चुप रहना, वो बहुत मारूंगा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज। मैं बेटा सही बता रहा हूं, तुम्हारी ना शादी नहीं होगी, और अगर हो गई होगी, बीवी आज इतना मारेगी तुमको, इतना मारेगी मतलब तुम रो रो दोगे। सही बता रहा हूं, तुम जो भी हो, जो मेरे माथे में बजा रहे हो, सही बता रहा हूं, मेरा श्राप लगता है तुम नहीं सुधरो। चलो आगे, -5 सारे समझ गए? तेरे को कोविड हो जाएगा, जा जा थोक बेटा तू, तेरे को कोविड हो जाएगा। आगे लेट्स मूव ऑन। ये 1 और -5, प्लीज बियर विथ मी, आई हैव गॉट सम अनसोशल एलिमेंट हियर, जिनका अपना जीवन खराब हो गया, दूसरे को जीवन खराब करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ पा रहे हो यार? अभिषेक भाई पता नहीं, आपको पता ही है हमारे घर के पास में नीचे एक, सॉरी ऊपर में एक, वो ऊपर नहीं नीचे, नीचे एक सुब्रमण्यम साहब रहते हैं। रुको मैं ये कहानी सुना देता हूँ। इट्स लाइक मैं थोड़ा खिड़की बंद कर दूं। तो हमारे घर के नीचे एक सुब्रमण्यम बाबा रहते हैं, ठीक है? वो हर रोज सुबह वॉक पे जाते हैं। तो वो सुब्रमण्यम बाबा का ऐसा है कि मतलब रिटायर हो चुके हैं, तो अब पता नहीं उनके बच्चे उच्चे कहाँ रहते हैं, तो रिटायर हो चुके हैं, लाइक फुल डे फ्री रहते हैं। तो फुल डे फ्री रहते हैं, अब मैं जब सेशन लेता हूँ ना, तो लाइक ही कम्स टू मी एंड ही सेज, आप इतना चिल्लाते क्यों हैं? मेरा तो एक दिन मन किया, मैं बोला गवार इंसान सुन, मैं चिल्लाता नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं, लेकिन तेरे को गणित तो समझ आती नहीं होगी, तेरे को क्या समझ आएगा कि मैं चिल्ला रहा हूं कि पढ़ा रहा हूं? तो आई सेड कि नहीं मैं चिल्लाता, अब उनको बोल नहीं सकते ऐसे। दूसरा वो साउथ इंडियन, समझ नहीं आती हिंदी, लाइक अंग्रेजी में कितनी गाली दूं? तो इट्स लाइक तो एक दिन वो आके बोलते हैं, आप इतना चिल्लाता काहे? मैं चिल्लाता नहीं है। तो इट्स लाइक नहीं, जोर जोर से आवाजें आती हैं। मैं बोला सर रुको, जोर जोर से आवाजें आती है, ऐसे उल्टी सीधी बातें नहीं करो, हमारे घर से कोई जोर जोर से आवाजें नहीं आती है। लाइक नहीं मैं सुनता है, रोज रात को आवाज आती है। अबे पगला गए हो क्या, रोज रात को आवाजें आती, क्या बोल रहे हो तुम? नहीं वो आप रोज रोज से हेलो गाइज बोलते हो। अबे यार हेलो गाइज सुन इधर। और उसके बाद भाई के एक्सप्लेनेशन, मतलब भाई नहीं चाचा के एक्सप्लेनेशन अलग है। आप वो रोज करता है ना, तो हमको बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं बोला सुनो अंकल, बात ऐसी है कि मैं देश का भविष्य बना रहा हूं, आपकी तरह बैठ के मेरे को सोना नहीं है। तो ये देश के भविष्य बनाने में ना, दो चार बूढ़े अंकल की नींद अगर खराब होती है तो इट्स ओके। तो अब मैं उनको बोला नहीं, मैं उनको सीधे सीधे बोला, देखो अंकल मैं पढ़ाता हूं। तो ही सेज धीरे पढ़ाया करो, धीरे पढ़ाया करो। फिर मैं उनको बोला नहीं अंकल एक्चुअली क्या है ना, आई गेव अ सैवेज रिप्लाई। मैंने बोला अंकल एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एक बार में ना 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ना 1000 टाइम्स तेज बोलना पड़ता है। अंकल पागल, 1000 बच्चा पढ़ाता है, 1000 बैठाता कहाँ है उनको? अंकल आप वो छोड़ो, मेरे बच्चे बैठ लेते आराम से, सेट है उनका, लेकिन इतने सारे बच्चे ना बहुत जोर से बोलना पड़ता है। देखा अच्छा, तो अंकल को मेरी पढ़ाई समझ नहीं आती, लेकिन पता ये जो घूम 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 कर रहे ना, अंकल बुढ़ापे में अपना घर रेनोवेट करा है। मैं मनी मन बोला अंकल दिन कितने बचे हैं, अभी घर रेनोवेट करा रहे हो, यहाँ बच्चों का करियर रेनोवेट नहीं हो पा रहा है, आपको अपने घर की पड़ी है, लेकिन अंकल है कि मानते नहीं है। तो खैर एनीवेज मैंने अंकल की बुराई कर ली, अब मैं अपना विंडो खोल लेता हूँ, इस नहीं तो नीचे अंकल को आवाज आता हूँ फिर आके चिल्लाते। तो अभी मैं खिड़की खोल लेता हूँ। तो समझ गए होगे कि आवाजें क्यों आ रही हैं, तो ऐसा है, ठीक है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया। चलो अब आगे बढ़।